कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिक्स लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फॉर्मूले को, और लेक्चर फाइव में हमने सेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस किए थे और उस पर 6 to 7 क्वेश्चन को लगाए थे। लास्ट लेक्चर ये होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे, उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले पे आज जो क्वेश्चन होंगे सिक्स लेक्चर में, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा चुके हैं, और सारा क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी 3/5, 11/5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3.5, B-3, -2। समझिए क्वेश्चन, कह रहा है कि एक लाइन है और उस लाइन की दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, ठीक है, और उस लाइन को जो डिवाइड कर रही है वो पॉइंट, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि रेशियो क्या होगी, ठीक है, रेशियो कितनी होनी चाहिए। समझिए इसे बात, समझिए ये एक लाइन आपके पास में है, ठीक है, और इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दो आपको दे के रखा है, ठीक है, और इस लाइन को एक पॉइंट जो है डिवाइड कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको रेशियो निकालनी, कितनी रेशियो में उसे डिवाइड कर रही है, ऐसे समझो, ठीक है। हमने एक लाइन मान लिया, ठीक है, ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट है अपने पास में गिवन 3.5, और बी का कोऑर्डिनेट है -3, -2, ठीक है, और जो डिवाइड कर रही है वो हमारे पास में पॉइंट गिवन है, ठीक है, 3/5 और 11/5, ये हमें गिवन है, तो हमें इसकी रेशियो निकालना है, ठीक है, इसकी रेशियो निकालनी है, तो रेशियो क्या हम मान सकते हैं, के रेशियो 1 मान सकते हैं ना, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें रेशियो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है, करें, देखिए सबसे पहले हमने तो सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, और जो पॉइंट गिवन है उसे कुछ मान लेते हैं, क्या मान सकते हो, तो x1, y1, x2 और ये y2, ठीक, इधर से चलेंगे तो अपने हिसाब से आप मान लेंगे x1 y1, जिसको जो मानना है वो मानेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं कि अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, चलो अप्लाई करो, क्या होता है, C=M1x2+M2x1/M1+M2, M1y2+M2y1/M1+M2, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। C आपके पास में गिवन है 3/5, 11/5, ठीक, M1 आपके पास में K है और x2 आपके पास -3 है, प्लस 1 आपके पास में m2 है इंटू x1 आपके पास में 3 है, ठीक, तो k+1, m1 आपके पास में k और y2 आपके पास में -2 प्लस, ठीक है, m2 आपके पास में 1 और y1 आपके पास में है 5/k+1, ठीक है, 3/5, 11/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k हमें मिल जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है, /k+1, 2 -2 को मल्टीप्लाई k के साथ में करेंगे तो हमें मिलेगा -2k, और 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक है, और k+1, ठीक। अब सुनो, यहाँ के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, तो अब करो कंपेयरिंग, देखिए ये तो एक्स और ये वाई है, ठीक है, और ये आपका एक्स और ये वाई है, ठीक, तो इसका कंपेयर करेंगे 3/5 के साथ में, और इसका कंपेयर करेंगे 11/5 के साथ में, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए,
तो कंपेयर करने के लिए जब हम गए तो हमें मिला 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 के है रहेगा, माइनस की साइन है रहेगा। ठीक, 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये होगा 15 इक्वल टू, 3 को मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 3k, और 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हमें 3 मिलेगा। ठीक, अब सुनो, इस 3k को आप लेके आ जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्लस 15 है उसे आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो देखिए क्या होगा, माइनस 15k प्लस तो माइनस 3k इक्वल टू 3 प्लस तो माइनस 15, ऐड करेंगे तो माइनस 18k इक्वल टू माइनस 12 मिलेगा। ये माइनस और ये माइनस एलिमिनेट होगा, k इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 6 के टेबल से कैंसिल आउट करो तो 6 2 12 और 6 3 18। ठीक है, तो k इक्वल टू यहां हमें मिल गया 2/3। ठीक, अब इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसे कंपेयर करोगे ना तो -2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो -10k प्लस 25 इक्वल टू 11k प्लस 11। ठीक है, -10k, ठीक है, 11k को जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको यहां से मिलेगा -11k। माइनस इसलिए क्योंकि 11k आपका प्लस में है। ठीक, इक्वल की साइन हमने लिख दिया 11, ठीक है, प्लस तो माइनस 25 होगा, इसको ऐड करेंगे तो फाइनली हमें यहां से मिलता हुआ दिख रहा है 21k। ठीक, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14, माइनस और माइनस ये आपका इलिमिनेट होगा। ठीक है, चलो इधर काम कर दो, तो k इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, 7 2 7 3 21, तो k इक्वल टू 2/3। ठीक, क्या लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:3। ठीक है, तो 2:3 में उस लाइन को डिवाइड करेगी। ठीक है, यहां तक कॉपी करें, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इफ द पॉइंट सी -1, 2 डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 2, 5 एंड बी इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी एक लाइन है और उस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रही है, और डिवाइड करने वाली अपने को पॉइंट गिवन है, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है वो अपने को गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कोऑर्डिनेट बी। यानी कि सबसे पहले देखिए, एक लाइन मैंने मान लिया, ठीक है, ये लाइन है, आपको कोऑर्डिनेट ए गिवन है, ठीक है, 2, 5, और कोऑर्डिनेट बी आपको नहीं पता है, ठीक है, x, y, और ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है, वो पॉइंट हमें गिवन है, वो पॉइंट गिवन है हमारे पास में -1, 2। ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूं, जितनी रेशियो में डिवाइड कर रही है वो गिवन है 3:4 में। ठीक है, तो क्या हम बी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, m1 m2 और ये आपका x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो c इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है,
सी अपने को पता है माइनस वन कॉमा टू इक्वल टू एम वन थ्री, ठीक है। एक्स टू आपके पास में है एक्स प्लस फोर है आपके पास में एम टू, और एक्स वन आपके पास में है टू, ठीक है। तो थ्री प्लस फोर एम वन एम टू कॉमा एम वन आपके पास में है फोर इंटू थ्री, है ना, थ्री इंटू वाई टू आपके पास में वाई प्लस फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर, ठीक। माइनस वन कॉमा टू इक्वल टू थ्री को मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो थ्री एक्स, और टू को मल्टीप्लाई फोर के साथ करेंगे तो एट, ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से सेवन मिल जाएगा, ठीक है। थ्री वाई प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवन, ठीक। अब कर दो कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है। थ्री एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई सेवन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा थ्री वाई प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवन इक्वल टू टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, राइट। और एट को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा प्लस से पहले से, ठीक है। तो थ्री एक्स इक्वल टू एड करेंगे माइनस सेवन माइनस एट को तो माइनस फिफ्टीन, तो एक्स इक्वल टू माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री वन जै थ्री, थ्री फाइव जै फिफ्टीन, तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। सिमिलर करेंगे वाई निकालने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू टू इंटू सेवन, ठीक है। थ्री वाई इक्वल टू सेवन टू जो फोर्टीन प्लस राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस, ठीक है। थ्री वाई इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस सिक्स, ठीक है। तो वाई इक्वल टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। क्या लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड रूट, लिख दो यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, रूट नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बी इज माइनस फाइव कॉमा माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अभी हमारा सेकेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी करें, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन थ्री देखते हैं, और क्वेश्चन थ्री बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट माइनस थ्री कॉमा पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा फोर एंड माइनस टू कॉमा थ्री, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। एक लाइन की दो कोऑर्डिनेट आपको गिवेन है, और उस लाइन को जो डिवाइड कर रही है अनदर पॉइंट, वो आपको उसकी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करके बतानी कि उसकी रेशियो क्या होगी। और क्वेश्चन में आगे मेंशन किया है जो थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रही है उस लाइन को, ठीक है, तो उसकी एक कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया गया है, उसे निकालनी। वो कोऑर्डिनेट आपका यानी कि वाई नहीं गिवन है, वाई के प्लेस पे पी रखा गया, ठीक है। तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे समझिए, ठीक है, ये लाइन है ए और बी एक लाइन है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर, ठीक है, और माइनस टू कॉमा थ्री बी कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है, ठीक है। इस लाइन को डिवाइड कर रही है वो आपके पास में कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस थ्री कॉमा पी, ठीक। तो आपको निकालनी है कि इसकी रेशियो क्या होगी ये बताना है, और पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो रेशियो मान लेते हैं के रेशियो वन, ठीक है। ये एम वन और ये आपका एम टू, ठीक, एक्स वन वाई वन और ये आपका एक्स टू और ये आपका वाई टू, ठीक है। अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, 16 में क्वेश्चन पूछा गया ये, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या होगा, एम वन एक्स टू प्लस
एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, सी आपके पास में है माइनस थ्री कॉमा पी इक्वल टू एम वन आपके पास में के इन टू एक्स टू आपके पास में माइनस टू प्लस एम टू आपके पास में वन और एक्स वन आपके पास माइनस फाइव। ठीक है, के प्लस वन एम वन आपके पास में के इन टू वाई टू आपके पास में थ्री प्लस एम टू आपके पास में वन और वाई वन आपके पास में है माइनस फोर। ठीक है, ये के प्लस वन। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के माइनस फाइव डिवाइडेड बाई के प्लस वन थ्री के माइनस फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ठीक, कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, पहले के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस टू के माइनस फाइव डिवाइडेड बाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस टू के माइनस फाइव डिवाइडेड बाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू के माइनस फाइव इक्वल टू के को मल्टीप्लाई माइनस थ्री से माइनस थ्री के, वन को मल्टीप्लाई माइनस थ्री से तो माइनस थ्री। ठीक है, माइनस टू के ठीक है प्लस थ्री के, माइनस थ्री के है जब मैं उसे राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री। ठीक है, माइनस फाइव राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस फाइव। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें के मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें टू मिल जाएगा। ठीक, जब के की वैल्यू हमें पता चल गया है, जब के की वैल्यू हमें पता चल चुका है तो उसे हम रखेंगे किस में रखेंगे, जब हम y को कंपेयर करेंगे p के साथ में तो k के प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो 3k माइनस फोर डिवाइडेड बाई k प्लस वन इक्वल टू p। ठीक, k के प्लेस पर रख दो तो यहाँ से p की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू k अपने पास में आया हुआ है 2 माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन इक्वल टू पी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 माइनस फोर। ठीक है, और ये 3 ऐड करेंगे तो p। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू p। तो p इक्वल टू अपने को भी पता चल गया कितना, 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो अपने पास में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है, k आया हुआ है हमारे पास में 2। अब 2 का मीनिंग क्या हुआ कि 2:1 में इस लाइन को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो रेशियो हमारा आएगा वो 2:1 में डिवाइड करेगी उस लाइन को, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट पी, ठीक है पी है आने की वाई एक्सिस है, पी जो है वो वाई एक्सिस के प्लेस पे है ना, तो वो हमारे पास में आया हुआ है 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कुछ प्यारा प्यारा और क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहां तक कॉपी करें। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर माइनस 2, 2 एंड 2, -4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपके पास में दो कोऑर्डिनेट दिया गया है ए और बी, ए और बी के दोनों की कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है, तो आप पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, और आगे में कह रहा सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी, जबकि ए पी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3/7 इंटू ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और जो पी है वो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो देखिए, ए बी एक लाइन हमने यहां से बना दी। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -2 और 2, -4। ठीक है, पी लाई कर रहा है, पी लाई कर रहा है ए बी पे। ठीक है, चलो इसकी कोऑर्डिनेट हमें निकालनी है। ठीक,
हमारे पास गिवन क्या है, ए पी इक्वल टू 3/7 AB। ठीक, तो सबसे पहले तो हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को देखते हैं उसके हिसाब से जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया यानी कि डिवाइड जो पी पॉइंट को मान के रखा हूँ वो रेशियो सही माना या नहीं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, तो लिखते हैं गिवन गिवन ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी। ए बी को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे तो ये डिवाइड में पहुंचेगा यानी कि ए पी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 3/7। ठीक, अब देखो ए बी ए बी ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू सम ऑफ ए पी प्लस बी पी। ठीक है, यह होगा, तो ए बी की प्लेस में हम लिख सकते हैं कि ए पी डिवाइडेड बाई ए पी प्लस पी बी या तो बी पी इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 AP इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB। ठीक है, 3 AP को आप शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 7 AP माइनस 3 AP इक्वल टू 3 PB। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 AP इक्वल टू 3 PB। ठीक, AP को यहीं रखा, ठीक है, PB को मैं शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, 3 पहले से है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो डिवाइड में पहुंचेगा 3:4 में। थोड़ा सा इसको जो है पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, लगना चाहिए कि 3:4 है। ठीक, ये निकल के आ गया M1 और M2। जब ये निकाल चुके हो तो आगे में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए निकालने में। ठीक है, करें सॉल्यूशन, आओ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, पी इक्वल टू ब्रैकेट M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, मेंशन करते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट को, X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, P अपने पास में है X, Y, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना है तो कोई ऐसी बात। ठीक, तो M1 अपने पास में 3 × X2 2 प्लस 4 × X1 − 2। ठीक है, 3 + 4, M1 3 × Y2 − 4 प्लस 4 × −2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी करें, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, X, Y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7, माइनस 12। ठीक है, और माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 और ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस 8 और माइनस 12 है तो आपस में ऐड हो जाएगा। बस इसकी जो पोलैरिटी है उसको ध्यान में रखना कि वो नेगेटिव ही रहेगा, तो −20/7। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ हमें कोऑर्डिनेट पी का पता चल गया। ठीक है, लिखते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इज −2/7 −20/7। ठीक, तो ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन फाइव का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फाइव में कंप्लीट फिलिंग है और इसमें फिलिंग के साथ में क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है और केयरफुली सॉल्यूशन करनी है। पढ़ते हैं, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2.1 एंड बी 5.-8, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है और उसकी कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट इस तरीके से दिया गया है 2.1 और 5.-8, ठीक। कह रहा है कि उस लाइन सेगमेंट को पी डिवाइड कर रही है, पी डिवाइड कर रही है जो ए बी को ज्वाइन करती है, सच दैट ए पी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1/3। कितने में? ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, ये आपका रेशियो नहीं है, याद रहे ये रेशियो नहीं है, ऐसे समझो। पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर फिल करवाता हूं, ठीक है। देखिए ए और बी, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 2.1 5.-8, ठीक है। पी डिवाइड कर रही है ना, पी डिवाइड कर रही है कितने में? ए पी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू 1/3 में, ठीक है। अभी रेशियो हमें नहीं पता है, आगे में पढ़ते हैं, आगे में कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। इफ पी, यदि पी लाइज ऑन द लाइन 2x-y+k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि पी लाइज करता है लाइन पे, कौन सी लाइन पे? 2x-y+k इक्वल टू 0, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नहीं आए समझ में, समझाता हूं। पहले लिखो प्यार से सॉल्यूशन, ठीक। लिखो गिवन, गिवन क्या गिवन है? गिवन आपके पास में है ए पी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1/3, ठीक। जो हमने भी क्वेश्चन फोर लगाया वो क्वेश्चन और ये अलग है, ठीक है। अलग क्या है? यहां से, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक। चलो ए बी देखिए, ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए पी प्लस बी पी, हाँ या ना? होगा, ठीक है। ए पी इक्वल तभी हो सकता जब आप ए पी और पी बी को ऐड करेंगे, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू 1/3 और डिवाइड में है ए बी, ए बी की प्लेस में मैं लिखना चाहता हूँ ए पी प्लस पी बी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देना चाहता हूँ, तो ये 3 ए पी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, पी बी या बी पी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सही कर देता हूँ मैं, पी लो भाई अब, ठीक है। तो 3 ap - ap इक्वल टू पी बी, ठीक है। ए पी को मैं शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 ap इक्वल टू पी बी, ठीक है। पी बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, 2 को राइट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। पहले 2 को शिफ्ट करता हूं, ठीक। तो ए पी इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इसलिए ऐसा किया ताकि ऐसा कंफ्यूजन ना हो, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 लेके चलता तो ये दिमाग में होता कि ये 1 कहां से आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा किया, ए पी, ठीक है। पी बी को अब शिफ्ट कर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डिवाइड में आएगा पी बी इक्वल टू, तो कुछ नहीं तो 1 है बाई 2 है। नहीं समझ में आ रहा था ऐसे समझो, ए पी देखो अपनी पोजीशन पे है, ठीक। पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 into पी बी तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा, ठीक। चलो रेशियो यहाँ से पता चल गया 1:2 में, ठीक। ज़्यादा कम, थोड़ा सा पी को इधर कर दो, लगना चाहिए कि 1:2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। मैं एक अंदाज में उसे मान के रखा था, ठीक। अब आगे में क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो चलो निकालते हैं, ठीक। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो P इक्वल टू m1x2+m2x1 डिवाइडेड बाई m1+m2। आप लोग भी बराबर फॉर्मूला को लिखा करें, ठीक। मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ m1y2+m2y1 डिवाइडेड बाई m1+m2। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। p m1 अपने पास में 1 into x2 5, ठीक। इंडिकेट कर दूं,
चलो कर दिया, एक्स टू वाई टू एक्स वन ये वाई वन, एम टू टू और एक्स वन टू वन प्लस टू कॉमा एम वन वन इंटू वाई टू माइनस एट प्लस एम टू टू वाई वन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को वन के साथ में तो फाइव और टू टू ज फोर डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक, कॉमा माइनस एट प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। तो p इक्वल टू, इसको मिटा दें, कोई ज़रूरी नहीं है ना, चलो तो आगे से काम कर लेते हैं। तो p इक्वल टू ऐड करेंगे तो नाइन, ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस सिक्स, अच्छा डिवाइड में थ्री है, इसके भी डिवाइड में थ्री है, ठीक है, ये अभी गलती हो जाता, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। तो p इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री कॉमा माइनस टू, ठीक। तो P का तो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पता चल गया। अब P लाई कर रहा है लाइन पे, कौन सी लाइन है आपके पास में, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, तो हमें k की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। तो डायरेक्ट हम x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, k की हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट पता चल गया, निकाल दें, ठीक है। नाउ, ठीक, नाउ P लाइज ऑन दी लाइन, लाइन लाइन है आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू रखो तो 2 इंटू थ्री प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस और माइनस पहले प्लस टू और प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो ये 6 प्लस टू प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक, तो k इक्वल टू क्या होगा, ऐड करेंगे और राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस एट आएगा, ठीक। तो k की वैल्यू यहां से हमें पता चल गया कितनी, एट, लिख लेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज थ्री कॉमा माइनस टू एंड द वैल्यू ऑफ k इज माइनस एट। तो इस तरीके से क्वेश्चन फाइव अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फिर सेक्शन फॉर्मूला का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पहले यहां तक कॉपी करें। क्वेश्चन सिक्स करते हैं, और क्वेश्चन सिक्स भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया है, फीलिंग है, सब कुछ है इसमें भी, ठीक है, समझिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए थ्री कॉमा माइनस थ्री एंड बी माइनस टू कॉमा सेवन, ठीक है। कह रहा रेशियो हमें फाइंड आउट करके बताइए, जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है और उसकी दो कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है, ए आपके पास में गिवन है थ्री कॉमा माइनस थ्री और बी आपके पास में गिवन है माइनस टू कॉमा सेवन। आगे में और कुछ ट्विस्ट वाली बात है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस और उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस कहने का मतलब यह है कि वाई एक्सिस जीरो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं सीधा सीधे कह देता कि रेशियो निकालो और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा हो उस पॉइंट को निकाल के अब बता दो, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू अब फाइंड आउट करके बता दो, यानी जो डिवाइड कर रहा वो पॉइंट हमें दे देता, वाई को जीरो कर देता और एक्स को एक्स ही रहने देता, तो ये पता चल जाता। बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है तो वाई एक्सिस जीरो होगा, वाई पे डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे जीरो होगा, ये कंसेप्ट की बात है, एजुकेशन कंसेप्ट पे ही चलता है, ठीक है। आगे में बढ़ते ज्यादा बात नहीं बोलूँ। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिविजन, ठीक है, और आप जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट हमें निकाल के बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, करें शुरू, चलो फिल करवाते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, चलो कर दिए, कोऑर्डिनेट गिवन है उसे लिखते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट है थ्री कॉमा माइनस थ्री, ठीक, और बी है माइनस टू कॉमा सेवन, देख के लिख लो ऐसा ना मिस्टेक हो जाए। एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या मान लें, इसे पी मान लें या सी माने, पी बहुत मान चुके, सी मानते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस आपका
वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा ना एक्स एक्सिस पे, ठीक। रेशियो निकालना, तो रेशियो मान लेते हैं के रेशियो वन, ठीक। तो सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेंगे, या तो हिंट्स तो यहाँ दिया हुआ वाई एक्सिस जीरो है ना, तो किन्हीं एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा अपना, ठीक है। क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, प्यार से अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। चलो तो सी हमने लेके चल रहे हैं, सी इक्वल टू ब्रैकेट एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है, कोमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, यहाँ तक रटी रटी बातें हैं, ठीक है। एक्स कोमा जीरो, सी को मैंने लिख दिया, एम वन के इन टू एक्स टू मैंसन करना पड़ेगा मुझे, कर दूं एक्स टू वाई टू वाई वन एक्स वन, ठीक। तो माइनस टू प्लस एम टू वन इन टू एक्स वन थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, कॉमा एम वन के इन टू वाई टू प्लस सेवन प्लस एम टू वन इन टू वाई वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, ठीक। चलिए एक्स कॉमा जीरो के एक बार और कॉपी किया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, ये सेवन के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन। अब देखो कुछ दिख रहा है यहाँ से, क्या दिख रहा है, अब कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं, तो माइनस टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन इक्वल टू एक्स, इसको तो ऐसे ही रखो, बंद करो बॉक्स में इसको, ठीक है, इक्वेशन वन बना देते हैं, इसको कंपेयरिंग करेंगे तो सेवन के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपका काम बनेगा, ठीक है, यहाँ से आपका के की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वन से करेंगे तो ये मिलेगा सेवन के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इन टू के प्लस वन, कर दूँ सो करता हूँ, सेवन के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो सेवन के इक्वल टू माइनस थ्री, तो उधर जाने के बाद प्लस थ्री, ठीक है, तो के इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई सेवन, ठीक है, देखो थ्री डिवाइडेड बाई सेवन हमारे पास आ चुका है, ठीक। अब k की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो देखो क्या होने वाला है, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक, क्या इक्वेशन है, चलो रखते हैं माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस टू इन टू के की वैल्यू है थ्री डिवाइडेड बाई सेवन, प्लस की साइन है मैंने लिख दिया, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, थ्री डिवाइडेड बाई सेवन प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू एक्स, कोई नहीं एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स, ठीक है, एलसीएम साथ में ले लेते हैं सेवन आ जाएगा, ठीक है, तो सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेगो ना तो सेवन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और थ्री प्लस सेवन वन जै सेवन, ठीक, ये सेवन से ये सेवन एलिमिनेट होगा, ठीक, इक्वल टू एक्स, क्या आपके पास में बचा हुआ है, आपके पास में यहाँ से बचा हुआ है, ऐसा करो पहले इधर कॉपी कर लो, हो गया, चलो हमारे पास में बचा हुआ माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सेवन, टेन कर देता हूं इक्वल टू एक्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमें फिफ्टीन मिल रहा है, ठीक, और डिवाइडेड बाई टेन इक्वल टू एक्स, ठीक, कैंसल आउट फाइव से करेंगे तो टू टाइम्स में ये थ्री टाइम्स में, ठीक, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं कि हैंस द रिक्वाइर्ड कोऑर्डिनेट इज
3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 0 ठीक एंड रेशियो इज 3:7 ठीक यही आया है ठीक अच्छा यहाँ मिस्टेक होगा 1 मैंने मान के रखा ना तो ये आएगा ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कॉपी कीजिए अच्छा वाई एक्सिस का आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है और हो जाएगा आराम से हो जाएगा आपको एक्स एक्सिस 0 कर देना आराम से होगा ठीक है तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है कॉपी कीजिए।